Joanna और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, ये डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस, द लेटेस्ट गॉसिप, इनसाइड स्कूप्स, लव स्टोरीज, हिट स्टोरीज, ऑल द मिक्स, योर फेवरेट स्टार्स ब्लिंक एन आई. So sit back and enjoy this ride. But before that, let's check out the headlines. Zee Cine Awards 2014 के ग्रैंड स्टारी रेड कार्पेट की सारी हाइलाइट्स दिखाएंगे न्यूज नाउ में. संडे ब्रंच के बहाने जर्नलिस्ट के साथ शादी के साइड इफेक्ट्स का प्रमोशन किया विद्या बालन ने, और साथ ही एक रेडियो स्टेशन पर जाकर भी किया फिल्म प्रमोशन. हंसी तो फंसी को मिले, ऑडियंस रिस्पॉन्स को देखने थिएटर में आए सिद्धार्थ मल्होत्रा. कैसे आए इन फोकस ऑफिस फैंस, करेंगे फोकस इन फोकस में. सलमान खान ने फ्लैग ऑफ किया एक किड्स मैराथन फॉर अ चैरिटेबल कॉज, और एक म्यूजिक एल्बम के लॉन्च पर गोविंदा को आई पॉलिटिक्स की याद. ये है साल का सबसे बड़ा अवार्ड शो. Cine Awards 2014 और इस रेड कार्पेट पर मौजूद थे बॉलीवुड के तमाम सितारे. अवार्ड शो को लेकर थे सुपर एक्साइटेड. आई ऑलवेज कम एंड एंजॉय एंड आई हैव कम हियर एक्चुअली कि यू नो फिल्म इंडस्ट्री को उत्साहित करना. वी आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. वेल, खुशी का मौका. आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रैंड अफेयर. ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड है, तो ज्यादातर इसमें सही होता है. बिगेस्ट व्यूअर्स चॉइस अवार्ड है, सो इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी व्हाट आवर व्यूअर्स आर थिंकिंग. ऑलवेज ये अवार्ड्स बहुत स्पेशल होते हैं. मैं फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ. बेस्ट फिल्म किसको मिलेगा, बिकॉज बहुत मूवी वगैरह देखता हूँ, और तो डायरेक्शन के लिए एक्साइटेड हूँ, एक्टर के लिए ओके ओके. वेल इंडीड, सभी थे एक सुपर एक्साइटेड मूड में. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड. और कैसे इन सभी ने अपने क्वर्की फनी एंटिक्स के साथ इस रेड कार्पेट इवेंट को बना दिया एक फन अफेयर. चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं, स्टार्टिंग विद द गॉर्जियस प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एंट्री मारी उनकी इवन मोर गॉर्जियस गाड़ी में. चलाई तो नहीं है मैंने अपनी रोल्स अभी तक. आई डोंट लाइक ड्राइविंग, आई प्रेफर टू बी ड्रिवन. क्योंकि लंबी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मेरे लंबे पैर हैं तो. और मैं सोती बहुत हूँ अपनी गाड़ियों में, सो इट फिट्स. Talking about another tall actress Deepika, वो यहाँ आई थी एक pretty golden gown में with an interesting piece of head jewelry. वैसे दीपिका यहाँ आई थी अपने गुड फ्रेंड अयान मुखर्जी के साथ. Okay, let's make it fun. What do you want to know about? He was saying that she couldn't find a date tonight, so I came with her basically. I'm not so unlucky also. You're very lucky to be with me tonight, huh? I'm honored. If you were just look a little bit shorter, we'd make a great couple. No, no, we'll even let this make a great couple. लेकिन उससे भी ग्रेट कपल हैं दीपिका और रणवीर, जिनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए दीपिका थी सुपर एक्साइटेड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रणवीर सिंह परफॉर्मेंस टुनाइट. रणवीर परफॉर्मेंस, यानी एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह का नाम लेकर दीपिका सेट द गॉसिप मिल्स अ बज येट अगेन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रणवीर सिंह परफॉर्मेंस टुनाइट. रणवीर परफॉर्मेंस. मूविंग ऑन, इस साल के एक अवार्ड फेवरेट फरहान यहाँ दिखे उनकी वाइफ अधुना के साथ, लेकिन हिज सून टू बी ऑन स्क्रीन वाइफ विद्या यहाँ कहीं नजर नहीं आई. आपकी धर्मपत्नी नहीं आई? वो है नहीं, 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 नहीं। स्क्रीन वाली विद्या. अच्छा, वो मेरी धर्मपत्नी नहीं है. फिल्म में वो मेरी कोस्टार है. फिल्म में तो धर्मपत्नी है. हाँ, कोस्टार है वो. मेरी धर्मपत्नी करो लोगों ने. हाँ, पत्नी करो. लॉन्ग टाइम नो सी अली जफर एक फन फिल्ड मूड में थे. इस रात को आओ अमर कर ले. बाद में इफेक्ट डाल दीजिएगा तालियों का. और पिछले साल की तरह इस साल भी रितेश देशमुख और अभिषेक ने होस्ट किया इस इवेंट को, जिनकी पेयरिंग के बारे में हियर्स व्हाट जेनेलिया हैड टू से. The best. no, I think Ritesh and Abhishek have this great chemistry. I think it's better than me and Ritesh also at times. But I think that's what shows, and I think that's why the award show will be exciting. And in hosts ko dekhne ke liye, Farah Khan too seemed quite excited. Haan, main bahut excited. Main bahut excited hoon. Aur mere aadi meri film ki starcast ya to award le rahi hai ya host kar rahi hai.
और आज मुझे भी एक अवार्ड दिया जा रहा है। सिंगिंग फेवरेट सरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस रेड कार्पेट पर दी कुछ क्विक परफॉर्मेंसेस। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, हंस रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। Vivek Oberoi was spotted with wife Priyanka. Sonal Chauhan dikhi ek super sexy backless avatar mein. Yami Gautam stood out in this pretty all yellow gown. Newbie Vani Kapoor lag rahi thi super gorgeous is sari clad look mein. I have a fractured fuda, so if you can't like that now. पल्लवी शारदा अपने सारी लुक को लेकर थी थोड़ी अनप्रिपेयर्ड और इन यंग स्टार्स के अलावा देयर वर मेनी मोर बी डाउनर्स एट दिस रेड कार्पेट। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे है, आज जमी पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। जी सिने अवार्ड्स 2014 का ग्रैंड रेड कार्पेट जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे इस अवार्ड शो के अंदर की कई सारी हाइलाइट्स। सो स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड लाइव। ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम क्रेजी फैंस। वेल हंसी तो फंसी के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपनी दूसरी ही फिल्म के लिए ये सारे एकोलाज मिले जब सिद्धार्थ पहुँचे मुंबई के एक थिएटर में अपनी रिसेंटली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी को मिल रहे ऑडियंस रिस्पॉन्स को देखने के लिए। And as you can see, audience ने सिद्धार्थ और उनके डेब्यू डायरेक्टर विनिल मैथ्यू दोनों को दिया थम्स अप फॉर हंसी तो फंसी। इज वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आ रही है, लोग खुद से देख रहे हैं। आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस किस्म की कॉमेडी है, इस किस्म का ह्यूमर, लोगों को अलग लग रहा है, स्टाइल डिफरेंट लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, आए हैं रिस्पॉन्स देखने के लिए, लोग काफी खुश हैं, रिपीट वैल्यू भी है और कपल्स के लिए भी काफी कुछ है, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है। और इसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते सिद्धार्थ इज होपिंग फॉर एन इवन बेटर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन द कमिंग वीक। बेंचमार्क सेट करना वो तो अलग बात है, आई थिंक एज लॉन्ग एज लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है और फिर से देख रहे हैं वो अच्छी बात। सो लेट्स सी, होपफुली वैलेंटाइन क्या उसके आगे भी शायद एक और फ्राइडे बन जाए। चलिए ये तो हुआ ऑडियंस का रिस्पॉन्स, लेकिन अपने इंडस्ट्री फ्रेंड से क्या रिस्पॉन्स मिला इनकी फिल्म को ये भी बताया सिद्धार्थ ने। सो फार आलिया, आदित्य, श्रद्धा इन सब ने देखी है, जिनको मिला था तो वो काफ़ी स्वीट थे, उन्होंने टेक्स्ट भी किया मुझे। आलिया तो ऑनलाइन भी ट्विटर भी काफ़ी खुश थी पिक्चर से, तो सो फार गुड रिस्पॉन्स। दे वर क्वाइट सरप्राइज आल्सो, दे आल्सो एंजॉयड इट लाइक एन ऑडियंस। वरुण अभी तक नहीं देखी, वरुण देखने वाला है अभी, बहुत जल्द उसको देखूंगा मैं, पूछूंगा उससे कैसी लगी।
लास्टली अपनी फिल्म की ड्रामा क्वीन परिणीति की कमी को पूरा करते हुए सिद्धार्थ ने उनके साथ हंसी तो फंसी 2 करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। वेल, अब इस क्रेजी फिल्म का सीक्वल वाकई बन पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, बट यस विशिंग सिद्धार्थ परिणीति एंड विनल ऑल द लक फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड होप कि इनके फैंस की लिस्ट इसी तरह बढ़ती रहे। Suruchi Mahatulkar, Kore, Zing, Mumbai. Today I think we're going to have a major gossip session with all the girls. विद्या बालन का ये जूसी गॉसिप सेशन है फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, जो कि एक्चुअली उनकी सून टू रिलीज फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए रखा गया था ऑन अ संडे ब्रंच। वो बाद में आपको बताएंगे, एक्चुअली आपको बताएंगे नहीं, कीप गेसिंग, कुड बी एनीथिंग, समथिंग चीज़ी। Well, anyway, accused us of gossiping, so we said we'll keep you all out of it. It's a gossip session on a Sunday afternoon. Well, अपनी मूवी को ब्रंच के बहाने प्रमोट करने का ये अनोखा तरीका तो वाकई इंटरेस्टिंग है। शादी के साइड इफेक्ट पे डिस्कशन होगी। शादी के साइड इफेक्ट से ही शुरुआत होगी और खत्म भी वही होगी बात। बीच में बहुत और कुछ बात करेंगे। बट दैट्स नॉट ऑल, विद्या शादी के साइड इफेक्ट्स के प्रमोशंस में इन दिनों जोर शोर से जुट गई हैं, जिसके लिए वो रिसेंटली पहुंची एक रेडियो स्टेशन भी। और यहाँ भी गिगलिंग विद्या ने शादी के साइड इफेक्ट से लेकर अपनी अपकमिंग फिल्म्स और को स्टार फरहान अख्तर से जुड़ी ढेरों चटपटी डिटेल्स शेयर की। शादी के साइड इफेक्ट में ऐसा एक सीन है कि जहाँ पे फरहान, जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो फरहान की एक चमक लगा के वो जाते हैं, तो आप चाहोगे जब आप खुद प्रेग्नेंट होंगी तो सिद्धार्थ की यूटिलिटी के ऑफिस में वैसे ही जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके लिए बहुत वक्त है, मैं कुछ कहूंगी तो ये लोग अब जाके कहेंगे कि तैयार हो जाओ, तैनात रहो, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं है। एंड आई डोंट थिंक आई वांट सिद्धार्थ टू डू दैट एवर। ऑन कॉफी विद करण आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हिम अबाउट विच गर्ल्स ऑन सेट हैड क्रशेस ऑन हिम, बट ही इज शाई व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट्स, बट ऑल द मोर देन आई वुड मेक अप स्टफ एंड टेल हिम। आई डिड अ स्टिंग ऑपरेशन, सो आई प्लेस्ड अ लिटिल कैमरा। I told him about this really hot girl on set who had a crush on him. Huh. And then he went into his van and I could see him beaming. And you put a camera literally in the van? No. Yeah, I did. I went back, you can leave your hair, and I was dancing all by myself. For the record, may I state that I did not place a camera in his vanity van. Because people have been asking him and me, so aapne kaise kiya? And I'm like, you were just a joke. Justice was great fun. There are a lot of detective films going on, Bombay Bakshi or Jagra Jasus. How is yours going to be different apart from the fact that it's female oriented? Yeah, it's a female detective film, but it's not just a detective film, it's a human story. You know, I don't think of the other films when, I'm sure each film will be unique. I'm looking forward to what they do, but most importantly, I'm looking forward to how people receive Bobby Jassus. If you were dirty or pregnant, then do you think you would get a Padma Shri? I think I'm very grateful for the kind of work I've done, and I feel very grateful and blessed for the opportunities I've had. Because the Padma Shri is an unbelievable honor. तो कुछ यूं रिविलेशंस और स्पाइसी गॉसिप से भरा रहा विद्या का प्रमोशनल स्टंट फॉर हर अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स। मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि शादी के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं ये, यू नो रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। इफ यू आर इन लव देन यू फाइंड द साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव, इफ यू आर नॉट देन गॉड हेल्प यू। सलमान खान का ये अंदाज हाल ही में नजर आया जब सलमान आए थे एक एनजीओ द्वारा ऑर्गेनाइज लिटिल हार्ट्स मैराथन रैली को फ्लैग ऑफ करने के लिए। फ्लैग ऑफ हो चुका है, भागो। लेकिन जब रैली को फ्लैग ऑफ करने के बाद सलमान ने बच्चों को भागने के लिए कह दिया, तो इवेंट की होस्ट ने सलमान से कर दी ये रिक्वेस्ट, फ्लैग ऑफ हो चुका है, भागो। भागना नहीं है, चलना है, ताकि मुंबई को दिखा दो
कि हम ये इवेंट जो कर रहे हैं कि हार्ट के बच्चे जो है उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, शांति से चलेंगे, कार्डियक पॉज है ये, तो धीरे धीरे चलेंगे। जिसे मानते हुए सलमान ने भी अपने नन्हे फैंस को दे दिया ये मैसेज। क्या बोल रही है, भागम दौड़ी बिल्कुल मत करना, ऐसे ऐसे आराम आराम से चलना और सबको दिखा के चलना कि हम लोग किस रीजन किस कारण की वजह से चल रहे हैं। आप लोग चलो लंबा 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 दूर दूर जाओ और मैं घर जाके सो जाता हूँ। थैंक यू। लेकिन ऑल सेड एंड डन, यहाँ भी सलमान अपनी फिल्म जय हो का तीन लोगों को हेल्प करने का ये सिग्नल फ्लॉन्ट करना नहीं भूले। नॉट बैड। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, ये हंसी दर्द दिल में छिपाया भी जा नहीं सकता, वो पूछे तो बताया भी जा नहीं सकता। ची ची भैया गोविंदा का ये पोएटिक साइड नजर आया जब रिसेंटली गोविंदा आए थे एक पंजाबी म्यूजिक एल्बम के लॉन्च पर, जिसका टाइटल है ना हीरे नू सता। और इंटरेस्टिंगली इसी टाइटल से जोड़ते हुए जब गोविंदा से हमने पूछ लिया कि बॉलीवुड में उन्हें क्या कभी किसी ने सताया है, तो इस पर गोविंदा को आ गई पॉलिटिक्स की याद। मुझे इंडस्ट्री में किसी ने नहीं सताया, ये जो मैं पॉलिटिक्स में जो गया था वो कमाल था, पूछो नहीं। वेल सेड चीची भैया, बट वी आर ग्लैड कि आपको इस बात का एहसास हो गया कि पॉलिटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। ये हाथ जोड़ रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स के लिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। सो ही वाज होपिंग कि आने वाले दिनों में गोविंदा हमें एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एंटरटेन करते नजर आ जाएं। All for now, stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest news from Tinseltown exclusively on Zing.